हाउ टू ऑब्जर्व, किसी भी चीज को कैसे ऑब्जर्व करें, किसी भी चीज को कैसे देखें। हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन की सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा करता है तो वो कृष्णमूर्ति है। कृष्णमूर्ति ने आप सभी लोगों को बताया है कि एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन क्या है और कैसे ऑब्जर्व करें, और हम यहां पर बिल्कुल उनके तरीके को जो उन्होंने बताया है उस चीज को हम फॉलो करते हुए ये जानेंगे एक्चुअल में कि ऑब्जर्व कैसे करें। और आप अगर नए तरीके से रिसर्च भी करेंगे कि कैसे किसी चीज को ऑब्जर्व करें, किसी चीज को कैसे देखें, तो आप इसी नतीजे पर पहुंचोगे जो कृष्णमूर्ति ने बताया है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में किसी भी चीज को कैसे देखें, वो जो देखना है वो क्या है, ऑब्जर्व करना है क्या एक्चुअल में। अब यहां पर ऑब्जर्व हम किसी चीज को करते हैं तो बेसिकली दो चीजें होती हैं। दो चीजें का मतलब है, एक तो ऑब्जेक्टिव चीज होती है, एक सब्जेक्टिव चीज होती है। ऑब्जेक्टिव चीज का मतलब है या तो हम बाहर की किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए। दूसरी तरफ अंदर की हमारी चीजें हो गई। अंदर की चीजें क्या, हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, डर, चिंता भय, हमारा गुस्सा, ये सारी की सारी चीजें। तो एक्चुअल में ऑब्जर्व करें कैसे, हाउ टू ऑब्जर्व, कृष्णमूर्ति सबसे पहले आपसे यही कहते हैं कि पहले इस हाउ को हटा दो। हाउ का मतलब है कोई तरीका, कोई मेथड या सिस्टम, कोई फॉर्मूला। बट क्या लाइफ को ऑब्जर्व करने का कोई फॉर्मूला हो सकता है, लाइफ को जानने का कोई फॉर्मूला हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? फॉर्मूला मीन्स जो हमने री इन्वेंट किया, हमने जाना, कुछ कंक्लूड कर दिया। फॉर्मूला का मतलब कि हमने ये जाना कि भाई लाइफ इस तरीके की है, उसकी एक थ्योरी बना ली और उससे हम चीजों को देख रहे हैं, मतलब लाइफ को देख रहे हैं। बट लाइफ कैसी है? लाइफ हर मोमेंट बदल रही है, चेंज हो रही है। अब क्योंकि लाइफ हर मोमेंट चेंज हो रही है, हर मोमेंट बदल रही है, तो हमने उसके बारे में जो जाना था वो पुराना हो गया। अब जो हमने उसके बारे में जाना था वो पुराना हो गया। लाइफ हमेशा मूव हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हमारे अंदर एक डिक्टेटर बैठ जाएगा। डिक्टेटर मतलब जो हमने जाना हुआ है कि भाई लाइफ तो ऐसे ही होनी चाहिए, जो हमने जाना है, जो हमने सीखा है, जो हमने लोगों को देखकर, एनवायरमेंट से, टीचर से, हमारी मेमोरी है, प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होनी चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ हर मोमेंट अपने आप को बदल रही है, अपने आप को री इन्वेंट कर रही है, अपने आप को अपग्रेड कर रही है। तो इसलिए सबसे पहले ये हाउ हटा दो। अब जब आपने अपने अंदर से ये हाउ हटा दिया, कैसे हटा दिया, तो क्या बचा? तो यहां पर आपके अंदर से क्या खत्म हो गया, आपके अंदर से एक ऑब्जर्वर खत्म हो गया, यानी जो ऑफिशियली चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। यानी अब ऑब्जर्वर खत्म हो गया तो सिर्फ क्या बची, ऑब्जर्वेशन बची, और आप भी उस ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। आपने फ्रीली छोड़ दिया। ध्यान रखना, जो इनर की चीजें हैं, जो आउटर की चीजें हैं, दोनों एक साथ ही हमें ऑब्जर्व करनी है, दोनों एक साथ आ रही है। हम किसी को वन बाय वन नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें चॉइस क्रिएट होगी। हमें बिल्कुल यहां पर चॉइस लेस होना है। चॉइस लेस का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरे अंदर एक फियर आया, मेरे अंदर डर आया, या मेरे अंदर डाउट्स आए, कंफ्यूजन आई, या मेरे अंदर गुस्सा आया। जैसे ही मेरे अंदर गुस्सा आया, एज इट इज मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, गुस्से को अपने, और उस देखने में मैं उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। उस देखने को मैं किसी थ्योरी से नहीं देख रहा, उसको एज इट इज बस उसकी जगह पर रहने दे रहा हूं। जैसे कृष्णमूर्ति हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक चाइल्ड, एक बच्चा आपको स्टोरी सुना रहा है, तो जब एक बच्चा आपको एक स्टोरी सुना रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उसकी स्टोरी सुनेंगे, आप उसको मौका देंगे। तो कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी कंफ्लिक्ट आ रहा है, आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी आ रही है, या फिर आप आउटसाइड किसी चीज को देख रहे हैं, उसको मौका दें, उसको एज इट इज छोड़ दें, और बिना किसी थ्योरी के, प्रिजुडिस के, कंटामिनेशन के, मैनिपुलेशन के, उसको बदले, उसको किसी भावना से, बिल्कुल उसको प्लेन होकर देखे, खाली होकर देखे। तो जब उसको खाली होकर देखेंगे तो आप में और सामने वाली चीज, जो भी चीज है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ड्वालिटी नहीं होगी, द्वंद नहीं होगा। तो जब द्वंद नहीं होगा तो आप में और सामने वाली किसी चीज में अंतर नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, यानी ड्वालिटी नहीं है, तो फिर क्या है, फिर आप लड़ोगे नहीं। आप लड़ते क्यों हो? क्योंकि आप डिविजन आपको लड़वाता है, आपको अलग करने की चीजें जो है। तो आप जब सारी चीजों को एक समान ही देखोगे तो आप किसी चीज से लड़ोगे नहीं, आप शांत होगे। और जब आप शांत होगे तो फिर
चीजें तो टेम्परेरी हैं, अपने पेस पर आएंगी और खत्म हो जाएंगी, बस आपने लड़ना बंद कर दिया है। तो क्या हुआ, असली ऑब्जर्वेशन यही है कि यहां पर आप देख रहे हो किस चीज का यहां पर निर्माण हुआ है, कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व, दृष्टा और दृश्य दोनों ही एक हो गए। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व के बारे में मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों चीजें एक हो गई तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। और आपको पता है जो आप कुछ नहीं कर रहे हो ये सबसे बेस्ट चीज है। यहाँ पर कुछ नहीं करने का मतलब है कि चीजों को एक्ट करने दो अपने अकॉर्डिंग, एफर्टलेसली। और चीजें जब एफर्टलेसली एक्ट करती हैं तो एक ऑर्डर जनरेट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शांति से बस बैठे हुए, नहीं, एक ऑर्डर जनरेट होता है, उस ऑर्डर से फिर एक्शन होते हैं, आप अपने आप इनसाइट से फिर एक्शन लोगे। तो ये बता रहे हैं कि कृष्णमूर्ति एक्चुअल में कैसे ऑब्जर्व किया जाए, ऑब्जर्वेशन है क्या। और आपको पता है अगर आप एक बार ठीक से ये ऑब्जर्वेशन, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन सीख गए ना, आप फिर लाइफ से डायरेक्टली सीखेंगे। आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, कृष्णमूर्ति को भी सुनने की जरूरत नहीं है, और मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, मुझे तो बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है। तो आप आ गए एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर अलोन, अलोन मीन्स ऑल वन। तो मैंने बताया कि डिटेल में इन चीजों की मैं बात करता हूं अपने क्रैश कोर्स में, जिसमें मैंने डिटेल में बहुत सारी चीजों की बात की हुई है कि मेडिटेशन क्या है, सत्य क्या है, ध्यान, डर क्या है, एंगर क्या है, एंजाइटी, ये सारी चीजों के बारे में बात की है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, ड्वेलिटी क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए। तो ये जो प्रोग्राम है, जो क्रैश कोर्स है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। आप मेरी जो जितनी भी वीडियोज हैं, अब कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो एक एक करके इन सारी वीडियोज को देखे, तो क्योंकि एक एक करके वो इन सारी चीजों को नहीं देख सकते, तो आप थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करें और इन टीचिंग्स को जाने। ये एजुकेशन, जो एक्चुअल में एजुकेशन है, जो आपके अंदर जिन चीजों से आप डेली सामना करते हो, आप डर का, आप अपनी एंजाइटी का डेली सामना करते हो, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले या साइंस के फॉर्मूले आपके इतने काम नहीं आएंगे जितना आपकी लाइफ में जो आपके थॉट्स काम आते हैं, आप थॉट्स से हमेशा लड़ते हो। तो इन चीजों को डिटेल में जाने, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मिनिमम फीस है, देखो हर चीज को बनाने में टाइम एनर्जी मनी लगता है और आपकी सीरियसनेस भी इससे बताती है। इसकी मिनिमम फीस है 500 रुपीज, 500 रुपये बस खाली, 24 टॉपिक्स, 24 वीडियोज है इसमें। तो इस क्रैश कोर्स को मैं चाहूंगा कि रिकमेंड करना चाहूंगा, एक बार जरूर आप ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।